कैंसर से जंग जीत कर वापस लौटे राकेश रोशन, क्रिश्चार को लेकर शुरू किया काम। बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन फिल्म क्रिश्चार पर जोर शोर से लगे हुए थे, जब उन्हें अपने कैंसर से पीड़ित होने का पता चला। राकेश रोशन को गले में स्क्वामस सेल कार्सिनोमा की समस्या थी। यूं तो उनकी बीमारी प्रारंभिक स्टेज पर ही थी, किंतु इसका प्रभाव उनकी सेहत पर काफी पड़ रहा था। इस कारण उन्हें अपने प्रोजेक्ट्स को बीच में ही रोकना पड़ा। इसी की वजह से ऋतिक रोशन की फिल्म क्रिश्चार को भी आगे बढ़ा दिया गया है। इस वर्ष की शुरुआत में प्रोड्यूसर डायरेक्टर राकेश रोशन कैंसर की सर्जरी करवाई थी। सर्जरी के कामयाब होने के बाद वे राकेश आराम के लिए ब्रेक पर थे, किंतु अब खबर आ रही है कि उन्होंने फिल्म क्रिश्चार की स्क्रिप्ट पर फिर से काम शुरू कर दिया है। हाल ही में ऋतिक रोशन ने बताया था कि उनके पिता राकेश रोशन का स्वास्थ्य धीरे धीरे बेहतर हो रहा है। अब खबर आ रही है कि राकेश अपने नॉर्मल रूटीन पर वापस आने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उनकी स्क्रिप्ट पर काम करने के लिए वे काफी सारे क्रिएटिव लोगों की टीम काम करने वाले हैं, जिससे चूक होने की कोई गुंजाइश ना बचे। बताया जा रहा है कि फिल्म क्रिश्चार की शूटिंग 2020 की शुरुआत में शुरू हो जाएगी। बताया जा रहा है कि इस फिल्म को संजय गुप्ता डायरेक्ट करेंगे, जिन्होंने इससे पहले ऋतिक की फिल्म काबिल बनाई थी।